मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र से राजेश लकड़ा उस टाइगर को तृणमूल उम्मीदवार के रूप में प्रार्थी घोषित किए जाने की खुशी में तृणमूल कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह देखा गया। आज मदारीहाट तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में राजेश लकड़ा का तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यह बताते चले कि अलीपुरद्वार जिला के मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार से विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की थी। इस बार तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में राजेश लकड़ा उर्फ टाइगर भाजपा के उम्मीदवार को चुनाव मैदान में टक्कर देंगे। आज स्वागत समारोह के दौरान जिला स्तर से लेकर अंचल स्तर के नेताओं ने फूल का माला और अंगवस्त्र ओढ़ाकर श्री टाइगर का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मदारीहाट बाजार में गाजे बाजे के साथ तृणमूल कार्यकर्ताओं ने राजेश लकड़ा को पार्टी कार्यालय तक लेकर आए। श्री टाइगर ने पत्रकारों से कहा कि जनता पार्टी पार्क मदारीहाट में स्थित है, फिर भी यहां भाजपा के सांसद और विधायक होते हुए कोई लंबी दूरी की ट्रेन नहीं रुकती है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। आगे देखिए राजेश लकड़ा ने क्या कहा। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का मत किसकी ओर जाती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सभी पार्टियों की ओर से जनता को लुभाने के लिए अपने अपने स्तर के तरीके के चुनाव प्रचार युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए, देखते रहिए NEI डूअर्स न्यूज। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इलाकों की खबरें जुड़े रहने के लिए बने रहें। এই সিটটা উপহার দিতে চাই, আপনারা সবার সহযোগিতা চাই শক্তিশালী করার জন্য। আমরা তৃণমূল স্তরে যত কর্মীরা আগামী দিনে এই সিটে আমরা জিতিয়ে আমরা দিদিকে উপহার দিতে চাই। আমাদের এই সিটের থেকে আসতে দিতে আমাদের এই শপথ নিতে হবে। সবসে পহলে समस्त बंगाल के दल नेत्री को जय बंगला एवं समस्त हमारे तृणमूल पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत सारे अभिवादन, जिन्होंने मुझ पर एक साधारण कर्मी को, साधारण आदिवासी चाय बगान के परिवार के लड़के के ऊपर एक विश्वास रखा है। आज देखिए, मेरा पूर्व वक्ता ने हमारे मदारीहाट अंचल के प्रेसिडेंट जी ने बताया कि यहाँ हमारी विधायक नहीं था। आज देखिए, हमारे दल के नेत्री मुझे मेरे ऊपर में विश्वास किया। मुझे भी नहीं मालूम था कि कल तक अनाउंस होने से पहले मुझे भी पता नहीं था कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री बा ममता बनर्जी मुझे मदारी सीट से टिकट घोषणा से पहले तक मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे विधायक के लिए टिकट दिया जा रहा है। मैं कभी भी विधायक के रेस में नहीं था और मैं कभी विधायक बनूंगा बा टिकट मिलेगा मैं इस आकांक्षा से मैं कभी भी समाज सेवा से नहीं लगा हुआ था। मगर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज TMC पार्टी के सुप्रीमो माननीय मुख्यमंत्री एवं दल नेत्री सुश्री ममता बनर्जी जिस प्रकार से विश्वास दिखाया मेरे प्रति, ये आदिवासी समाज के लिए एवं मदारीहाट विधानसभा के लिए ये ज़रूर वरदान साबित होगा। तो जिस तरह से आज आपके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, जगह जगह गाजे बाजे के साथ आज आपका स्वागत किया जा रहा है, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि आपने पहले ही जीत का खुशी मनाना शुरू कर दी है कि अभी जल्दीबाजी हो रहा है? नहीं नहीं, जीत का परचम जरूर लहराएगा, क्योंकि मैंने अलीपुर जनसभा से ही मैं एक प्रीस्ट हूँ और प्रीस्ट के मुख से निकला हुआ एक एक प्रवचन साबित होता है। आपको याद है, आप ही पत्रकार थे, मुझे बागडोगरा एयरपोर्ट पे लाने गए तो एक ऐतिहासिक वेलकम किया गया था पूरा डुअस से, TMC पार्टी के कार्यकर्ता एवं आदिवासी समाज से, सभी समाज वर्गों से उन्होंने स्वागत किया था। तो आज भी जो मेरा चरित्र है ना, मुझे जानते हैं मदारीहाट के विधानसभा, आज वो जानते हैं कि ये लड़का यहाँ का एक प्रीस्ट है, वो अपने लिए नहीं करेगा बल्कि सर्वसाधारण के लिए काम करेगा। इस विश्वास के उत्साह के तहत आज देखिए, मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ मगर वो लोगों ने पूरा जानकारी रखा। आज देखिए, ऑनलाइन से सारा जानकारी आ जाता है, मैं फेसबुक से जुड़ा रहता हूँ, सोशल वर्क से, तो सभी ये जानते हैं कि मेरा परिचय क्या है। आज देखिए, मदारीहाट सीट से मनोज तिग्गा को भी तो यहीं के लोगों ने वोट देके विजय बनाया था, आज उनको ढूंढ के नहीं मिल रहा है यहाँ। आप बताए, इलेक्शन के वक्त में वे मुर्गी का बच्चा लेके जाता है, कम से कम उनको पता होना चाहिए मुर्गा तो लेके जाते हैं, मुर्गी का बच्चा लेके जाता है। तो ये है इन लोगों का नेचर, तो ये मदारीहाट का सर्वसाधारण जान चुके हैं, इसलिए आज देखिए हजारों के तादाद में मुझे मदारीहाट में स्वागत करने के लिए
आज मामाटी मानुष के कर्मी समर्थक एवं साधारण मनुष्य आज मेरे साथ हैं। अच्छा राजेश जी, मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी संख्या में गोरखा समुदाय भी वोटर है यहाँ पर, जो फैक्टर रखता है, और सभी समुदाय के लोग हैं यहाँ पर, तो आप ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे ये सभी समुदाय आपको वोट दें, और आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? चुनाव में एक ही मुद्दा रहेगा, जगह मदारीहाट सीट से जैसा यहाँ के स्थानीय लोगों का एक ज्वलंत मुद्दा है, वो मुद्दा है कॉलेज का डिमांड, मैं उसके ऊपर मैं कार्य करूँगा। और यहाँ के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए चाय बागान ही सिर्फ यहाँ विकल्प है, उसके लिए मैं विकल्प इंडस्ट्री, उनके रोजगार के लिए मैं उनके लिए काम करूँगा। और यहाँ पर एक और मुद्दा है जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय अभयारण्य है, यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है जो कि लंबी दूरी का, तो ये स्टॉपेज के लिए मैं ज़रूर आवाज़ विधानसभा तक मैं उठाऊंगा, ताकि यहाँ पर एक टूरिस्ट लोग नेशनल पार्क घूमने आते हैं यहाँ जल्दा पड़ा। जी जी, इससे क्या होगा, यहाँ पर रेलवे का स्टॉपेज होगा, कम से कम 2 मिनट का स्टॉपेज भी तो मिल जाए, 2 मिनट का स्टॉपेज भी मिलेगा तो यहाँ के मदारीहाट के सर्वसाधारण लोग हैं सभी कोई उपकृत होंगे। आज देखिए मनोज तिग्गा भी यहाँ के विधायक हैं, जोन वार्ला भी अलीपुर द्वार के सांसद है, तो ये दोनों मिलकर चाहते तो यहाँ का 1 मिनट 2 मिनट का स्टॉपेज करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उन्होंने कभी मदारीहाट विधानसभा को प्यार नहीं किया, जिसका परिणाम है यहाँ आज बहुत बड़ा यहाँ पर आपका ये नेशनल पार्क होते हुए आज यहाँ पर केंद्र सरकार का कोई भी परियोजना व स्टॉपेज ट्रेन का नहीं हो पाया है। तो भाजपा के साथ में आपका क्या चुनौती है इस बार? भाजपा तो यहाँ था ही नहीं कभी, आज देख रहे टीएमसी में मैंने कहा था कि पूरा पश्चिम बंगाल का ममता मैं करके छोड़ूंगा, आज रिजल्ट देखने को मिल रहा है। राजेश जी, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपको हमारी एनआई द्वास टीम के तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भट्टाचार्य जी, अपना देर मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र उन्नी पार्थी हुए राजेश लाकड़ा और टाइगर जी, अपनारा कत खुशी और आगामी ये विधानसभा चुनाव जी कत अपनी उम्मीद आते देखुन हमारा तृणमूल कॉग्रेस कर्मी जरा सबाई कर्मी हमारे नेत्री एकजन ही ममता बनार्जी, हमें ममता बनार्जी छवि के सामने रेखे ही दल करी एवं नेत्री जाके कैंडिडेट करें लड़ब এবং আমাদের কর্মীরা তার হয়েই লড়বে এবং আগামী দিনে আমাদের ক্যান্ডিডেটকে মাদারিহাট সিটটা আমরা জিতিয়ে দিদিকে উপহার দিতে চাই। আচ্ছা, কিছুদিন আগে ওনার ক্যান্ডিডেট নিয়ে কিছু লোক যে প্রদর্শন করেছিল, আপনারা একদম পুরা এখন সাপোর্টে আছেন ওনার? দেখুন আমরা আমাদের কথা একটাই, সেটা হচ্ছে নেত্রী, আমরা নেত্রীকে দেখে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী যারা, আমরা প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী যারা, আমরা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জিকে দেখেই দলটা করি এবং মমতা ব্যানার্জির হচ্ছে আমাদের সুপ্রিমো, তো আমরা কি প্রত্যেকেই আমরা কেউ নিজেকে নেতা বলে আমরা ভাবি না, আমরা প্রত্যেকেই কর্মী, উনি যেটা নির্দেশ দিবেন ওনার নির্দেশকে মাথায় রেখে আমরা আগামী দিনে লড়াই করব। কত ভোটে জিতবেন? হ্যাঁ, কত ভোটে জয় করবেন এইবার? দেখুন আমাদের, আমি আপনাকে বলি, মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রটি দিয়ে আমরা 2011 যখন পট পরিবর্তন হয় সেই সময় বামফ্রন্টের কুমারী গুজুর উনি জয়ী হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে 2016 বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির এক প্রার্থী মনোজ তিগ্গা জয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু এবছর বিভিন্ন দিদির কাজ থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস, দেখুন আপনারা একটা জিনিস বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রচুর আছে কিন্তু ইলেকশন যখন শুরু হয় তখন আপনারা অনেক রাজনৈতিক দলগুলোকে নেতাদেরকে দেখা যায়, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা, তৃণমূল কংগ্রেস দলটা আমরা যারা করি, আমরা মানুষের সুবিধা অসুবিধা বিপদে আপদে আমরা 24 আওয়ার্স আমরা মানুষকে দেই, তো সেই জন্য আমাদের নতুন করে মানুষকে মানে পরিচয়ের বিষয় নয়, মানুষ আমাদের কার্যকলাপ দেখেছে, এখন মানুষ আমাদের কার্যকলাপ, আমাদের দিদির কার্যকলাপ দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে যেভাবে যুগান্তরকারী মানে মুশকিল আসান, যে মানুষ 90 বছর বয়স হয়ে গেছে সেই মানুষ হচ্ছে বার্ধক্য ভাতা পাবে বলে কোনো দিন ভাবতে পারেনি, সেই মানুষ আজকে বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছে, আজকে 15 দিনের মধ্যে মানুষ কাস্ট সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছে, তো আজকে তো আলটিমেটলি দিদির কাজের উপরে ডিপেন্ড করে ভোট হবে, বাগান এলাকায় আপনার 202 টাকা আপনার হচ্ছে হাজিরা হয়ে গেছে, চা সুন্দরী প্রকল্প হচ্ছে, আপনার ইলেকট্রিসিটি হচ্ছে, তারপরে জলের ব্যবস্থা হচ্ছে, এত রেশন, তো এগুলোর উপরে ভোট হবে, পরিষ্কার কথা, এটা আমাদের বিষয় এবং আমরা আমাদের বিকাশের উপরে ভোট হবে এবং মানুষ এখন অনেক সচেতন। আরেকটা বড় জিনিস যেটা,
সেটা হচ্ছে এনআরসি। আমাদের মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রটা এটা হচ্ছে আপনার এখানে কিন্তু প্রচুর এনআরসি এফেক্টেড লোক, বিজেপি মানুষকে যেভাবে ভুল বোঝাচ্ছে, আমাদের পাশের রাজ্য আসাম, আসামের মানুষের কি হচ্ছে সত্যি ঘটনাটা যদি বাস্তব মানুষের কাছে আমরা তুলে ধরতে পারি বাস্তব, তাহলে পরে আমার মনে হয় যে মাদারিহাট বিধানসভা আমরা ব্যাপকভাবে আমরা জিতবো এবং মাদারিহাট জেতার মতন জায়গাতে আমরা আছি। जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। आइए डॉल्फिन होटल में देखें क्या क्या मिलता है। डॉल्फिन होटल में सभी द्वार्स के लोगों का हार्दिक स्वागत है। डॉल्फिन होटल आइए और शानदार नॉन वेज और वेज खानों का टेस्ट लीजिए। देखते रहिए एनआई द्वार्स न्यूज, यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके की खबरों से जुड़े रहें। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। आप लोग सभी द्वार्स वासी को मैं निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा इस रास्ता से जो मादरी रोड में बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें, एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वार्स इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।